नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर तोड़कर कांग्रेस की गहलोत सरकार मुसीबत में पड़ गई है। बीजेपी के साथ साथ हिंदू संगठनों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। राजस्थान कांग्रेस पर लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, जिससे कांग्रेस की घिनौनी राजनीति की पोल खुल गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने का मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और गहलोत सरकार फंसती जा रही है। बीजेपी मंदिर को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है, तो वहीं मंदिर तोड़े जाने के विरोध में राजगढ़ में व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन के बाद कई हिंदू संगठनों ने शहर में विरोध मार्च निकाला, जिसमें गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संगठन से जुड़े लोग नगरपालिका सभापति के निलंबन का भी विरोध कर रहे हैं। इसके चलते हिंदू संगठन पहले मार्च कर शहीद स्मारक पहुंचे, जहां सांसद बालकनाथ सैकड़ों साधु संतों और कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट गए। कलेक्ट्रेट पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं और साधु संतों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर हंगामा हुआ, यानी कि गहलोत सरकार बुरी फंस गई। वहीं इससे पहले बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन लगातार मंदिर तोड़े जाने के मुद्दे पर सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने घोषणा करते हुए कह दिया है कि राजगढ़ में अतिक्रमण विरोधी अभियान में ध्वस्त किए गए तीनों मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बावजूद इसके भी गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। मामले के तूल पकड़ने के बाद गहलोत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की नौटंकी करते हुए राजगढ़ के SDM केशव मीणा और नगरपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस घटना में राजगढ़ के SDM की भूमिका की भी जांच की बात कही जा रही है, यानी कि गहलोत ने खुद को बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन वो भी काम नहीं आए। वहीं अब अलवर के सांसद बालकनाथ का आरोप है कि हम राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति करने से रोकने के लिए ये मार्च निकाल रहे हैं। हमारे ज्ञापन में हमने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, ध्वस्त मंदिर निर्माण की मांग की है। मंदिर विवाद के बाद CM गहलोत को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। गहलोत अब चौतरफा फंस चुके हैं। इस्तीफे की मांग हो रही है, उनके खिलाफ लोग सड़कों पर हल्ला बोल रहे हैं, जिससे कांग्रेस की हिंदुओं के खिलाफ राजनीति बेनकाब तो हुई ही, राजस्थान सरकार भी संकट में पड़ गई। हिंदुओं के खिलाफ घिनौनी राजनीति करने वाली कांग्रेस अलवर में मंदिर तोड़कर बुरी फंस चुकी है। हिंदुओं ने गहलोत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने गहलोत से इस्तीफे की मांग की है। चौतरफा फंसने पर गहलोत कार्रवाई का नाटक अधिकारियों पर गाज गिरा रहे हैं, बावजूद उसके भी कांग्रेस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।